नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस समय महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना से जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, तो वहीं बेरोजगारी के समय महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई को लेकर जनता क्या सोचती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस कोरोना काल में लोगों को बेरोजगारी हो गई, तमाम काम नहीं मिले, प्राइवेट सेक्टर में लोग तनख्वाह ही नहीं दे रहे थे। 10 दिन खाना बनता था ठीक ठाक, अब घर में 5 दिन बन रहा है, 4 दिन बन रहा है कि भाई अब 200 रुपए लीटर कड़वा तेल है, हमारी क्षमता नहीं है। हमने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, पैसे नहीं फीस देने के लिए, क्या करें। 200 रुपए लीटर कड़वा तेल हो गया है, कहाँ 90 रुपया था, चीनी आज 40 रुपए हो गई, कहाँ 36 रुपया थी। लोगों गाड़ियाँ खड़ी हो गई घर में, हम खुद गाड़ी लेके आते थे, आज पैदल चलते हैं। जैसे हम लोग स्कूटी से चलते थे, तेल भरवाते थे, अभी नहीं, अभी पैदल आ जाते हैं, कोई नहीं। मान लीजिए हमारे पास तो छोटा मोटा कारोबार है, चलिए किसी तरह से खाना रोटी हो जा रहा, लेकिन जो लोगों के पास कुछ भी नहीं, उन लोगों का कैसे चलता हो। है एक आम आदमी थोड़ी ना 200 रुपए 400 रुपए किलो कोई चीज खरीद सकता है। कोरोना के साए से थोड़ी राहत मिली ही थी कि अब महंगाई लोगों के सामने मुंह फैलाए खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमां से गिरे और खजूर पर अटके। पहले कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने जनता की जेब ढीली कर दी, वहीं अब महंगाई ने लोगों की जेबों पर डांका डालना शुरू कर दिया है। रसोई से लेकर गाड़ियों तक, स्कूल फीस से लेकर दुकानदारों के गल्ले तक, हर तरफ सिर्फ महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे विषम हालात में जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सत्ता में बैठे हुक्मरान चुनाव प्रचार में इस कदर व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें चुनावी शोर के बीच जनता की पुकार सुनाई नहीं दे रही है, और इसीलिए जनता की समस्याओं को जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम ने लखनऊ की जनता का रुख किया, जहां हमारे संवाददाता अश्विनी त्रिवेदी ने इंदिरा नगर की जनता से उनकी समस्याओं को जाना। प्रदेश में महंगाई चरम पर है, वो चाहे डीजल पेट्रोल हो या खाने की सब्जियां हो या खाद्य तेल हो, सबकी महंगाई चरम पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता या लखनऊ की जनता जो है, उसको इस तरह की महंगाई में किस तरीके की समस्याओं का सामना करने के लिए आज हम राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ आम जनता है, हम उनसे राय लेंगे कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ी है और ऐसी महंगाई में उनको किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन लाल कनौजिया। महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ी है और ऐसी महंगाई में किस किस तरीके की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? नहीं, समस्या तो होती है हर व्यक्ति के पास। जैसे हमारे पास 10 रुपये, वही मैं कह रहा हूँ, समस्या क्या है? समस्याएं होती हैं हर, क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों को बेरोजगारी हो गई, तमाम काम नहीं मिले, प्राइवेट सेक्टर में लोग तनख्वाह ही नहीं दे रहे थे, सरकारी वाले तो कोई बात नहीं। क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, बच्चे हैं आपके, पढ़ाई होती है? जी, पढ़ाई होती है। फीस देने या किस समस्याएं? तो आई समस्याएं, भी कोरोना काल रहा, 3-4 महीने दुकानें बंद रही, कारोबार ठप रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कुछ भी चीज़ हम खरीदने जाएंगे तो महंगा ही लगेगा। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो पैसा जिसके पास उसको कुछ नहीं महंगा लगता। कुछ राहत मिल जाए पब्लिक को किसी भी क्षेत्र में, जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, ये लोग फीस तो हम लोगों से पूरा ले लेते हैं, अगर वहाँ हम लोगों को भी कुछ राहत मिल जाए, कुछ 10-20%, 25%, 50% या 6 महीने का ले लें, 6 महीने का माफ़ कर दें, तो ऐसा कुछ होता तो पब्लिक पे लोड ना पड़ता महंगाई का ज़्यादा। तो सुना आपने, जनता का इस महंगाई में क्या हाल हो चुका है। बढ़ते पेट्रोल डीजल हो या फिर राशन के दाम, इस वक्त जनता पर चौतरफा वार हो रहा है। समस्याएं कई हैं, पर वजह हर ओर सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है। हालात तो यहां तक आ गए हैं कि कुछ लोगों को स्कूल की फीस की वजह से अपने बच्चों को ही स्कूल भेजने में डर लग रहा है। ये हम नहीं, खुद जनता कह रही है। तो आप भी सुनिए कि लखनऊ की जनता का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? ये हमारा सुशील कुमार अवस्थी। सुशील जी, महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, ऐसे में जो आम जनता है, आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो किस किस तरीके की समस्याएं देखने में आ रही हैं? घरेलू समस्याएं बहुत प्रकार की हैं। महंगाई सब्जियां भी बढ़ी हुई हैं, खाद्य तेलों के भी रेट बढ़े हुए हैं। भाई बढ़ा इसलिए जब सारी चीज़ें बेरोजगारी हो गई, बड़े बड़े जो कारखाने बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई, लेबर काम ही नहीं कर रही है, और उसके बाद धीरे धीरे लेबर आना शुरू हो रही है, और उसके बाद किसान की जब MSP बढ़ेगी तो बाज़ार में स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी।
जब गेहूं के रेट बढ़ाएगी सरकार, हर चीज के रेट जब सरकार बढ़ाएगी। नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो महंगी चीजें हैं, खाद्य तेल हो, सब्जियां हो, डीजल पेट्रोल हो, उससे समस्याएं किस किस तरह? उससे समस्याएं ये है कि अब जो घर में 10 दिन खाना बनता था ठीक ठाक, अब घर में 5 दिन बन रहा है, 4 दिन बन रहा है। कि भाई अब 200 रुपये लीटर कड़वा तेल है, हमारी क्षमता नहीं है। वजह से खाद्य तेलों में फर्क पड़ा है। और अगर बात की जाए सब्जियों की, सब्जियां भी महंगी हुई हैं, तो क्या लगता है आम आदमी थालियों से सब्जियां गायब हो रही है? आम आदमियों के थाली से सब्जी गायब हो रही है। जो 4 प्रकार की सब्जी लेता था वो 2 प्रकार की ले रहा है, मजबूर है, क्या करे। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई का कैसा चल रहा है? पढ़ाई को लेकर के भी काफी ज्यादा समस्या है। हमने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, पैसे नहीं फीस देने के लिए, क्या करे। इतनी ज्यादा लोगों के पास समस्याएं हैं कि बच्चों की ऑनलाइन व्यापार ज्यादा चालू हो गया, हम लोगों का व्यापार एकदम ठप हो गया। ऑनलाइन की वजह से बहुत 50% फर्क आया, 50% नेट। लोगों का मानना है कि ऑनलाइन की वजह से भी व्यापार में काफी ज्यादा फर्क आया, मतलब लोगों के पास समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल भी भेजना बंद कर दिया। कहते हैं और भी कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है घर ले जाना। अभी और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है इस महंगाई पे। शिवरंजन शर्मा। बढ़ती महंगाई में किस किस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? महंगी बढ़ती महंगाई में हमारे पास समस्या है। बच्चा स्कूल जाता था, उसकी फीस हम नहीं जमा कर पा रहे हैं। अगर कुछ कम कर दे गवर्नमेंट, कुछ साधन बढ़ा दे हमारे लिए। अच्छा, तो घरेलू खाद्य पदार्थों की बात की जाए, सब्जियां हो गई, खाद्य सरसों का तेल हो गया या अदर तेल हो गया, रिफाइंड वगैरह, तो इनमें महंगाई बढ़ने से किस किस तरीके की समस्या? अरे बहुत समस्या है। 200 रुपया लीटर कड़ुआ तेल हो गया है, कहाँ 90 रुपया था। चीनी आज 40 रुपया हो गई, कहाँ 36 रुपया थी। तो कहाँ से हम लोग ले जाएं, कहाँ से खाद पान करें? मतलब कि आम आदमी का जो त्रस्त है, और मतलब ये सब्जियां भी लोगों की थाली में पहले ज्यादा नजर आ रही है, लोगों की थालियों से सब्जियां गायब हो रहे हैं। बिल्कुल गायब हो रहे हैं। जो 4 प्रकार की सब्जियां होती थी वो 2 प्रकार की सब्जियां बन रही हैं, बिल्कुल गायब हो रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस किस तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हो गई घर में, हम खुद गाड़ी लेके आते थे, आज पैदल चलते हैं। 100 रुपया डीजल पेट्रोल हो गया, हम कहाँ से डाले हैं? आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों से लोग चलते थे, वो अपने घर पे गाड़ियां खड़ी कर दे, लोग पैदल आना जाना शुरू कर दिया है। क्योंकि समस्याएं इतनी ज्यादा महंगाई की वजह से बढ़ी हुई हैं कि लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता से बात करने के दौरान हमारे संवाददाता ने दुकानदारों का भी रुख किया और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। जहां संवाददाता अश्विनी माया देवी नाम की दुकानदार के पास पहुंचे, जो रोजी रोटी कमाने के लिए एक कॉस्मेटिक की दुकान चला रही हैं। एक तो लॉकडाउन की वक्त उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, वहीं अब बढ़ती महंगाई ने भी इनके सामने संकट लाकर रख दिया है। घर की जिम्मेदारी के बीच बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम ने माया देवी को स्कूटी से उतार कर पैदल चलने को मजबूर कर दिया है। हम अभी और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि महंगाई से उनको किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस किस तरीके नई समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? माया देवी। माया जी, किस किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं महंगाई से? महंगाई से समस्याएं जैसे तेल में बढ़ोतरी हो गया है, फिर डीजल में मतलब पेट्रोल में बढ़ोतरी हो गया। आज हम लोग के बच्चे RLB में 12th में पढ़ते हैं, मैम लोग 4-6 दिन हुआ स्कूल जाने को, 15,200 रुपये फीस तुरंत चाहिए बोल रहे हैं। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा सा दुकान है, लॉकडाउन में पूरा दुकान बंद रहा है। एक महिला है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, पूरा घर चलाना पड़ता है। सिलेंडर महंगा हो गया इतना, तो घर को लेकर के चलना बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे में चाहिए कि कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए, हर तरीके से इंसान को तसल्ली मिले। मान लीजिए हमारे पास तो छोटा मोटा कारोबार है, चलिए किसी तरह से खाना रोटी रोटी हो जा रहा, लेकिन जो लोगों के पास कुछ भी नहीं, उन लोगों का कैसे चलता होगा? और अगर सब्जियों की बात की जाए, सब्जियां, दालें और खाद्य तेल भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, तो अब परिवार को आगे लेके चलना या परिवार को चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो हो रहा है, पर अब क्या किया जाए, किससे कहा जाए, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है नहीं। सब्जियां महंगी हो गई तो क्या पहले अब लोगों की थालियों से सब्जियां कम हो गई? देखिए हम लोग तो सेक्टर 17 सब्जी मंडी में, तो यहाँ तो थोड़ा लो में है, सब्जी तो मिल जाती है, पर तेल वगैरह बकिया दाल वगैरह बहुत महंगी हो गई है, प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में भाई। दाल और खाद्य तेलों की महंगाई की वजह से दिक्कत होती है। जैसे हम लोग स्कूटी से चलते थे, तेल भरवाते थे, अभी नहीं, अभी पैदल आ जाते हैं, कोई नहीं।
और काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या बताएंगे। ये हमारे साथ माया जी थे जिन्होंने बताया कि किस किस तरीके के सामना करना पड़ता है महंगाई में, जो है डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों की वजह से लोग आजकल पैदल आना जाना पसंद कर रहे हैं, और जो महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ा, खाद्य तेलों के दाम चरम पर है। जो आम लोग थे, ये राजधानी लखनऊ के आम जनता थी, जिनसे हमने बात की, उनकी राय जानी कि महंगाई में उन्हें किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या से किस तरीके से सरकार को निपटना है, ये सरकार को विचार करना चाहिए और लोगों की समस्या, आम जनता की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी लखनऊ। ताजा हालातों को देखते हुए इतना तो साफ हो चुका है कि हालात चाहे जो भी हो, कीमत हमेशा आम जनता को ही चुकानी पड़ती है और आगे भी चुकानी पड़ेगी। ताज्जुब होता है ऐसी सरकार पर जो जनता के सामने जनता को लेकर ही सरेआम झूठ बोल रही है। कोरोना में जहां लोग मर रहे थे, पर सरकार बोल रही थी कि देश में सब ठीक है, वहीं अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो फिर से जनता के सामने झूठ परोसा जा रहा है। महंगाई से त्रस्त सूबे की जनता से कहा जा रहा है कि प्रदेश में सब चंगा है, ऐसे में जनता को इस समस्या से कब तक आराम मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।